बोला गया है कि 1 से 60 तक कितनी प्राइम नंबर होंगी, ये फाइंड करना है। ठीक, तो अभी हमने देखा कि एक से लेकर, अभी देखा कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं, कितनी होती हैं 1 से 50 तक, 15 प्राइम नंबर होती हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 60 तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो 50 के बाद 60 तक हम देख लेते हैं कि उनके बीच में कितनी प्राइम नंबर आती हैं। तो 50 और 60 के बीच में कितनी प्राइम नंबर आएंगी, तो 50 तो होगी नहीं प्राइम नंबर, 51 ये भी नहीं होगी, 52 ये भी नहीं होगी, 53 ये भी नहीं होगी, 53 होगी प्राइम नंबर, 54 ये प्राइम नंबर नहीं है, 55 ये भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 11 से डिवाइड है, 56 ये भी नहीं होगी, 57 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 19 से डिवाइड है, 58 ये भी नहीं है, 59 हाँ ये प्राइम नंबर होगी हमारी, 59 जो होगी वो प्राइम नंबर होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 50 और 60 के बीच में कितनी प्राइम नंबर निकल के आ गई, एक 53 और एक 59। तो हम इसमें क्या करें, 2 प्लस कर दें क्योंकि दो प्राइम नंबर 50 और 60 के बीच में है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17। ठीक, ये एड्रेस कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्न में से कौन सी संख्या 88 से पूर्णतया डिवाइड है। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, फोर फोर एट, ऑप्शन बी क्या है हमारा इस क्वेश्चन के लिए, तो है 3 6 0 4 8 8, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है 3 6 8 8 8 8 फोर टाइम। ठीक, ऑप्शन डी क्या है, तो ऑप्शन डी है 3 6 0 0 8 3 6 0 0 8 8। ठीक, इसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी नंबर है जो 88 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो 88 से डिवाइड होने के लिए क्या करना होगा, हम डायरेक्टली तो 88 से चेक नहीं करेंगे, तो इसके क्या करेंगे, हम को प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सॉरी को प्राइम पेयर निकालेंगे। तो इसके को प्राइम पेयर क्या होते हैं, को प्राइम पेयर क्या होता है कि जिनका दो ऐसे नंबर जिनका क्या हो, एचसीएफ हमेशा वन हो, जिनका एचसीएफ हमेशा वन हो। तो इसके हम अगर को प्राइम पेयर देखें तो 8 और 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 और 11। तो पहले हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर 11 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, जो नंबर 8 और 11 से डिवाइड हो जाएगी वो क्या होगी, 88 से डिवाइड हो जाएगी। तो पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं 8 से कौन कौन सी नंबर है जो डिवाइड हो रही है। ठीक, तो पहले हम इसको देखते हैं, 8 से डिवाइड होने के लिए उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहां देख लेते हैं, ये 8 से डिवाइड है क्या, तो 85 जा 40 और 86 जा 48, मतलब ये 8 से डिवाइड है, इसको चेक कर लेते हैं, तो ये भी 8 से डिवाइड है, ये तो 8 से डिवाइड दिख ही रही है, और ये भी 8 से डिवाइड है, मतलब चारों नंबर क्या है हमारी 8 से डिवाइड हो रही है। फिर हम अब क्या करेंगे, तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। पहले हम इसके इवन सॉरी ऑड प्लेसेस का सम फाइंड कर लेते हैं, तो इसके लिए ऑड प्लेसेस क्या होंगे, 8 4 और 6, और यह बस यही होंगे ऑड प्लेसेस। तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 6 कितना होता है, तो वो हो जाएगा 18। अब इसके हम इवन प्लेसेस फाइंड कर लेते हैं, इवन प्लेसेस क्या होंगे, 4 0 और 3, तो 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। ठीक, इनका डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, 11। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगी वो 11 से डिवाइड होगी। तो हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट ही होगा। तो इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लो अगर ये चेक करने पर नहीं आता तो हम इसके दूसरे भी ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने
अगले क्वेश्चन पे इसको अरेज कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है निम्न में से कौन सी संख्या 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 को पूर्णतः विभाजित करेगी। इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 10 और थर्ड ऑप्शन है 11 और लास्ट मतलब फोर्थ ऑप्शन है हमारा 13। ठीक, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। तो ये जो संख्या है इसमें कहा गया है कि इस संख्या को कौन सी संख्या है जो पूर्णतया डिवाइड कर सकती है, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख ले रहे हैं। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 ये नंबर है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम 4 की पावर 61 कॉमन ले लें। 4 की पावर जब 61 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और ऐसे आगे यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 16। ठीक, और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 64। ठीक, और इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो इधर क्या है 4 की पावर 61 इसको प्लस करेंगे तो देख लेते हैं 4, 6, 10 प्लस 5, 15 तेरे आए 1, 7 और ये 8। ठीक, अभी क्या कर सकते हैं कि हम इसको 4 की पावर 60 × 4 × 85 लिख सकते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 की पावर 60 और ये कितना हो जाएगा 4, 5 जा 20 और 4, 8 जा 32 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 34। ठीक, तो ये नंबर है। अब ये नंबर हम चेक करते हैं कि इनमें से किस नंबर से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ हमें लास्ट में क्या दिख रहा है, लास्ट में 0 दिख रहा है। जब 0 दिख रहा है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 सही है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि कोई नंबर है 6n² + 6। ठीक, ये हमेशा किस नंबर से डिवाइड होगी, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए है हमारा ऑप्शन नंबर ओनली 6, बी है ओनली 12, सी है सिक्स एंड 12 और डी है हमारा ओनली 18। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस टाइप की है कि ये नंबर इनमें से सदैव किस नंबर से डिवाइड होगी। ठीक, तो हम इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम अगर यहां से n कॉमन ले लें, यहां से n कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 6n प्लस यहां क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब हम इसमें n की डिफरेंट वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हम n की जब वैल्यू 1 पुट करेंगे, n = 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं क्या निकल के आएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 6 + 6, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 12। अब n = हम 2 पुट करके देख लेते हैं,
एन इक्वल टू जब हम टू पुट करेंगे तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, टू ये कितना हो जाएगा 12 और ये 6, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18 टू जा 63। एन इक्वल टू 3 रख लेते हैं, एन इक्वल टू 3 रखने पे हमारा क्या आ जाएगा, यहां 3 होगा और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 63 जा 18 प्लस 6, ठीक है तो 24 से यहां 72, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहां से जब n इक्वल टू 1 रखा तो 12 आया, n इक्वल टू 2 रखा तो 36 आया, n इक्वल टू 3 रखा तो 72 आया। तो ये कितने से डिवाइड हो रही है, ये 6 से भी डिवाइड हो रही है और 12 से भी डिवाइड हो रही है। सिमिलरली ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो रही है और 12 से डिवाइड हो रही है, ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो रही है और 12 से भी डिवाइड हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी आगे नंबर होंगी वो हमेशा किससे डिवाइड होंगी, 6 और 12 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारा आंसर कौन सा होगा, सी। बढ़ते हैं अपने आगे, हाँ तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कोई संख्या जब 36 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और समझते हैं। कोई संख्या है, मान लेते हैं हम वो क्या है, वो संख्या हमारी n है, ठीक। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, संख्या इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो हम भाजक को किससे डिनोट करते हैं, डिवाइजर। भाजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइजर, जिसको हम डी से लिख लेते हैं, कोसेंट मतलब भागफल और रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ये अब कह रहा है क्वेश्चन में कि उसको 12 से डिवाइड किया जाता है, तो लिख देते हैं 12 इस तरह, ठीक। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है, उसको 36 से डिवाइड किया जाता है, ठीक, और कोसेंट क्यू प्लस रिमाइंडर किसका कितना बच रहा है, 19। अब इसको हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 12 से। तो क्या हम एक चीज यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये जो है इतना पोर्शन, ये जो 36 है 12 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना दे देगा, 0, ठीक है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो रिमाइंडर होता है उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर लें तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है, 19, और इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल क्या बचेगा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ शेषफल 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बट यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है कि जब ये नंबर ऐसी दे देगा, ये नंबर जो यहाँ 12 से डिवाइड नहीं हो रही होगी पूरी, तो उस केस में हम रिमाइंडर को डायरेक्टली डिवाइड करके इसका रिमाइंडर नहीं निकाल सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या बताएंगे आप कि हम उसको नहीं निकाल सकते। मान लो यहीं पे नंबर को चेंज कर देता, ठीक, यहीं पे ऐसी नंबर दे देता, यहाँ पे 51 दे देता, जो यहाँ पे क्या हो जाता 51, यहाँ पे कौन सी नंबर हो जाती 51। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 51 है जो कम्प्लीटली 12 से डिवाइड नहीं है, मतलब इससे क्या हो रहा है कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो हम ये सिंपली इसको ऐसे नहीं कर पाते, उस केस में क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक, मतलब हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं को 17 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल कितना दे रही है, शेषफल 13 और शेषफल कितना आ रहा है, 11 आता है। तो उन संख्याओं के योग को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, जैसे हम मान लो किसी संख्या को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब वो संख्या कोई रिमाइंडर छोड़ती है फिर उसको हम दूसरी किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल निकालने के लिए इजिली ट्रिक क्या होती है कि इनके शेषफल का हम योग कर लें और जिस नंबर से डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर लें, फिर जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इनके हम योग कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है 13 और प्लस दूसरा रिमाइंडर कितना है 11, इसको किससे डिवाइड करना है 17 से, जब उस नंबर को डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, यही हमसे पूछा गया। तो इनको हम प्लस कर लेते हैं कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से और 17 से, तो इसको कितना रिमाइंडर निकल के आएगा, 17 और इसमें से जब 17 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 7, वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 7। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है
और नेक्स्ट क्लास हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेके आएंगे, जैसे रिमाइंडर है या नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उसमें, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। मिलते हैं।